अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कोरिया में अभी सर्दी स्टार्ट हो रही है, आज बारिश हो रही है और मौसम चेंज हो रहा है। हम आए थे बाज़ार में तो वो पीछे आपको नज़र आ रहा है लोटेरिया, तो मैंने सोचा आइसक्रीम खाते हैं लोटेरिया से। और लोटेरिया में जो वोकैबुलरी यूज़ होती है उसके मुतल्लिक आज मैं आपको बताऊँगा, ताकि जितने भी दोस्त हैं जो जिनको नहीं पता, वो जब भी लोटेरिया में जाएं या किसी भी जगह पे बर्गर खाने जाएं या कोई आइसक्रीम वगैरह खाने जाएं या कटलेट्स खाने जाएं, तो उनको फ़ायदा हो, परेशानी ना हो। मैं आपको बताता हूँ, अभी साथ चलें मेरे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ताकि जितने भी दोस्त हैं उनका फ़ायदा हो सके। तो चलें फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एंटर हो के बताता हूँ कि जो जो वोकैबुलरी यूज़ होगी लोटेरिया में वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स चलें, अभी हम ये देख सकते हैं, ये साथ दुकान है मेकअप वगैरह की। फ्रेंड्स आए, अभी हम लोटेरिया में दाखिल होते हैं और आपको आज मैं बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं लोटेरिया, कोरिया का बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, और जो इसमें वोकैबुलरी यूज़ होगी आज मैं उसके मुतलक आपको बताएंगे। और ये अभी हम एंटर हो गए हैं। फ्रेंड्स अभी हम ऑर्डर करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर कैसे करना है। आइसक्रीम चाहिए हमें, फ्रेंड ये था, अभी हमने उनको ऑर्डर किया है। तो अभी जो वोकैबुलरी यूज़ होगी कैसे बात करनी है, मैं वही आपको अभी बैठ के बताता हूँ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। फ्रेंड ये देखें, अभी ये हमें मिला है, ये थेगी बोनो लिखा हुआ है, थेगी बोनो। थेगी जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना खीदा रीदा, ये उसके सेम ही है, यानी कि इंतज़ार है, इंतज़ार वाला नंबर, ठीक है। यानी कि ये अभी उन्होंने हमें दिया है 029, जब ये वो हमें बुलाएंगे तो हम उधर से जाके ऑर्डर लेंगे। वो सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन, ठीक है फ्रेंड्स, ये स्क्रीन है, इसमें आ रहा है, ये लिखा हुआ एक तरह का छून हाशिम छेपू मिनावा सिंधा, कि जो उन्होंने ऑर्डर किया गया है वो आ चुका है, और दूसरी तरफ है छेपू मल छुम्बी जुंगिमनिदा, छेपू मल छुम्बी जुंगिमनिदा। यानी कि ये जो नंबर लोगों को इन्होंने दिए हैं इसकी अभी तैयारी हो रही है, छुम्बी जुंग का मतलब होता है कि तैयारी हो रही है। तो फ्रेंड ये इनका सेटअप है लोटेरिया का। ये मेरे साथ तैयब साहब बैठे हुए हैं, तैयब साहब कैमरे में नहीं आना चाहते, तो ये देखें ये देखो, ये सेटअप है इनका। तो फ्रेंड्स हमने जो ऑर्डर किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको बैक कैमरे की मदद से बताता हूँ इसमें यूज़ होने वाली वोकैबुलरी। फ्रेंड ये देखें, सबसे पहले है स्ट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो स्ट्रा होता है इसको कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं पलते। आपने स्ट्रा तो सुना होगा, शायद कोई कई भाई ऐसे हों जिनको ना पता हो, क्या कहते हैं इसको, पलते पलते पलते। और ये आपको पता ही है कि खमजा को खमजा ही कहते हैं। उसके बाद
ये कोला है, कोला, ठीक है फ्रेंड्स, कोला कहते हैं इसको। तो ये मैं आपको खोल के दिखाऊं कि इसमें ये बर्फ़ है ना, जो कोरियन लैंग्वेज में इस बर्फ़ को कहते हैं ओरम, ओरम, ओरम। अगर आपको बर्फ़ पसंद है, यानी कि विद आइस आप पीना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ओरम नोखो चूसे हो, ओरम नोखो चूसे हो। और अगर आप जो है ना विद आइस कोला पीना चाहते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं ओरम पे को चूसे हो, ओरम पे को चूसे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी सबसे पहले हमने उसको कहा था, जो ऑर्डर करना होता है उसको कहते हैं जो है ना छुमुनहादा, छुमुनहादा। ये तैयब साहब हमारे बैठे हैं, तैयब साहब हाथ हिलाएं ज़रा ये अपने। सलाम हाँ बताएं बताएं तैयब साहब। वालेकुम। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं तैयब साहब, और ये जफरवाल से बिलोंग करते हैं, और हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमने इनको ऑर्डर किया, ऑर्डर करने को कहते हैं छुमुनहादा, छुमुनहादा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर जब आप ऑर्डर कर लेते हैं, तो ख्योलछे हैं चूसे हो, क्या का मतलब होता है कि आप उनको पैसे दें जो बने हैं। ख्योलछे हादा यानी कि जो आपने लिया है उसका हिसाब किताब करना। उसके बाद वो पूछती है कि मोको खाए हो या फिर फौजंग है हो, मोको खाए हो या फिर फौजंग। मोको खाए हो का मतलब है कि वो पूछती है कि आपने इधर बैठ के खाना है या तैयब खाओ आप करो स्टार्ट, या फिर जो है ना आप फौजंग का मतलब होता है पैकिंग करवाना, फौजंग हादा। फौजंग हादा का मतलब होता है पैक करके साथ लेके जाना, और मोको खायो का मतलब होता है यहाँ पर खा के जाना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि थेकी का मतलब होता है इंतज़ार। एक वो ना कई जगह पे ऐसा भी होता है कि वो बेल देती हैं जो रेड कलर की होती है, जब आपका ऑर्डर तैयार होता है तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं छिंदोंग बेल, छिंदोंग बेल। छिंदोंग कहते हैं वाइब्रेशन को, और बेल जो होती है वो बेल ही होती है। तो अभी जब इसके बाद थोड़ी सी वीडियो वो भी मैं बनाता हूँ, अभी अभी हम थोड़ा खा लें, तो वीडियो को आप इंजॉय करें, और लाइक आपने ज़रूर करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी दोस्त नए आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों का उन्हें नहीं पता था, तो आप शेयर करें, इससे बहुत सारे दोस्तों का फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो के साथ मैंने आपने स्किप नहीं करनी वीडियो। तो फ्रेंड्स अभी ख़त्म हो गया है, हाँ अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। थोड़ी फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो ट्रे होती है ना, इसको कहते हैं छिंग बान, छिंग बान, छिंग बान। इसको रखेंगे हम इधर, और ये जो प्लास्टर का है ये आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है प्लास्टिक, प्लास्टिक को आपने इधर फोरी इधर फेंकना है, और जो पानी होगा उसको इधर, और ये दोबारा धो के फिर इसमें देते हैं, इसको आपने इधर रखना, ठीक है फ्रेंड। और जो ये बर्फ़ वगैरह बच जाती है इसको आपने फेंकना है, ये उसके बाद फ्रेंड ये देखिए इल्बान, इल्बान शेरिक का मतलब होता है कि ये जो सारी इल्बान होती है ना, इसको इल्बान कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में, ये सारी आप इधर फेंकेंगे, ठीक है फ्रेंड। और इधर जो आपके पास अजाफी फूड बचा होता है ना, उसको आपने इधर फोरी करना है, फोरी का कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं कि ज़ाया करना। तो ये छिंग बान जो है अभी हम इसको रखेंगे। तो ये थी फ्रेंड आज की वीडियो, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर आपने ज़रूर करना है, और जो न्यू है वो कर ली चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।